टुकटुक जी ने बताया कि ससुराल तभी जाया जा सकता है जब एक अदद पत्नी हो। पत्नी मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। समाचार पत्र में विज्ञापन दिए जाते हैं, टीवी पर विज्ञापन दिए जाते हैं जी। मैं भी अपने एक योग्य पुत्र के लिए वैवाहिक विज्ञापन दे रहा हूँ, उसमें पुत्र की योग्यताएं और विवाह की शर्तें कि मेरा लड़का है लाखों में एक, साफ दिल का है, नीयत का नेक, ऊंचे कुल का है सुंदर, लुगाई चाहिए, बकरा बिकाऊ है, कसाई चाहिए। योग्यता कि थर्ड डिवीजन इंटर से लेकर एमए तक पास है। अच्छा। अफसर बाबू या चपरासी पद की उसे तलाश है, और पुलिस रजिस्टर 8 में उसका सबसे ऊपर नाम है। डकैती रहजनी डकैती कर लेता हर काम है, कर लेता है जिसको भी खत लिखे हो, जिसको भी हो नार ऐसा जमाई चाहिए, बकरा बिकाऊ है, कसाई चाहिए। विशेष योग्यता कि शुद्ध स्वदेशी खद्दर के वो पहने वस्त्र फकीरी है। अच्छा। दारू की भट्टी पर चलती उसकी दादागिरी है। भूतपूर्व कालिज का नेता पूरे शहर में धाक है, इसी से अपने खानदान की सबसे ऊंची नाक है। तो हो दामाद बनाना तो फौरन ही आ जाना, ऐसा जिसे बौड़म हर जाई चाहिए, बकरा बिकाऊ है, कसाई चाहिए। विवाह की शर्तें जी कि हाथ थमा दूं बेटे का उसकी बेटी के हाथ में, 5 लाख की रकम नकद जो लाए अपने साथ में, और फ्रिज टीवी लूं कार साथ में नहीं जरा भी झूठ है, लेकिन इसमें 4 माह तक 15% छूट है। लड़की मत दिखलाए और फोटो मत भिजवाए, बस मुझको तो नोटों से सगाई चाहिए, बकरा बिकाऊ है, कसाई चाहिए। सबसे अंत में लिखा होता है पता कि शहर अनोखा बात पता, कुछ मुश्किल नहीं लगा पाना, पूरा ब्यौरा मिल जाएगा, सीधे कोतवाली आना। 10 रुपया मुंशी को देना, हम तक वो पहुंचा देगा, 2 रुपया लेकर के जेलर फौरन तुम्हें मिला देगा। बस इतनी मजबूरी है लेकिन जरूरी है, पहले सगाई के रिहाई चाहिए, रिहाई चाहिए, मेरा बिकाऊ है, कसाई चाहिए। इतनी जगह जगह विज्ञापन दे रहे हैं, जरा तनिक इधर भी देखिए, क्या ख्याल क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है पत्नियों पर ही व्यंग किए जाते हैं, इस समय हम लोगों की हालत ऐसी नहीं है कि इन पर व्यंग किया जाए जी, बल्कि सारी बातें इनकी माननी चाहिए, महिलाओं की। हाँ, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, मैं बता रहा हूँ, मैं इनका पक्ष रख रहा हूँ। अच्छा, इनका पक्ष रखे कि मुझको बलम जो सताओगे, मुझको बलम जो सताओगे तो जेल में ही तसला बजाओगे। तो जैसा कहे करो तुम वैसा रंग ढंग बदलो संया। अच्छा। मेरे साथ में ईलू ईलू गाओ छन्या छन्या, और झाड़ू पोछा करो सवेरे उठ के चाय बनाओ, और पहले बर्तन साफ करो फिर कवि सम्मेलन जाओ, नहीं मानोगे कहा तो पछताओगे, जेल में ही तसला बजाओगे। ये सावधानी बहुत जरूरी बाहर निकलती है। वेरी गुड, वेरी गुड। दिल्ली मुंबई पूना पटना चेन्नई या गुवाहाटी, मोटी पतली काली गोरी लंबी हो या नाटी, और कैसी भी हो छमक छल्लो छैल छबीली बाकी, और किसी कलम ही से भी तुमने की जो ताका झाकी, कहीं राह में जो नए ना लड़ाओगे तो जेल में ही तसला बजाओगे। इस समय हम पुरुषों के पक्ष में कोई है नहीं, बहुत सावधानी बरतनी है। न्यायालय सरकार पुलिस अखबार मीडिया जाने। अच्छा। नारी अबला उत्पीड़ित असहाय दलित जग माने। ओहो। और मानेगा ये कौन कि हमने डांटा है फटकारा, और किससे जाकर कहोगे तुमको पत्नी ने है मारा।
दूहे गवाही न पाओगे, खेल में हिस्सा खेला कर जाओगे। मैं एक स्वामी जी के पास गया। अच्छा। मैंने उनसे कहा मेरी एक इच्छा है कि मैं बहुत साल जीऊं। तो वो बोले बेटा शादी कर ले। तो मैंने कहा शादी करने से मैं बहुत साल जीऊंगा? बोले नहीं, ये ज्यादा जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। नहीं, मैंने स्वामी जी को बोला आप स्त्रियों के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? करेक्ट, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। वो बोले हाँ बिल्कुल सही बात है। एक स्त्री होती है माँ, जो एक रोते हुए बच्चे को इस दुनिया में लेके आती है। वाह वाह। और एक होती है उसकी पत्नी, जो इस चीज का ध्यान रखती है कि ये सारी जिंदगी रोता ही रहे। तो उसके बाद मैंने शादी कर ली। और शादी करने के बाद मेरे को समझ में आया कि शादी करने से पत्नी के साथ एक परिवार मिलता है, जिसको ससुराल कहते हैं। जी। तो मैं आपको एक एक करके करेक्टर के बारे में बताता हूँ। पहले करेक्टर है मेरे ससुर जी। बताइए। मेरे ससुर जी बहुत एहतियात बरतते हैं, सारे काम फूल प्रूफ करते हैं। जब उन्होंने मुझे अपना दामाद बनाया तो सबसे पहले मेरा बीमा कराया। अच्छा। लोगों ने कहा बीमा करा रहे हो, क्या कोई नया रिवाज चला रहे हो? वो बोले नहीं, जब तक चलेगा चलेगा, उसके बाद बीमे का पैसा तो मिलेगा। ससुराल में एक और चीज होती है बड़ी खास, जिसका नाम होता है सास। सास। सो जब मेरी नई नई शादी हुई तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी सास क्यों एक्स्ट्रा प्यार दिखाती है। अच्छा। मैंने कहा सासू माँ, आप क्यों मुझ पे इतना प्यार लुटाती हैं? क्यों बार बार मुझे मेरा सोना बुलाती हैं? वो बोली तू मेरा सोना है, मलाई का दोना है, बेटा तू मेरी बेटी का नया खिलौना है। इसके अलावा एक तीसरी चीज होती है वहाँ पे जी, पत्नी का छोटा भाई। भाई मतलब तबाही। हाइट में तो आधा है, उम्र 6 साल से कुछ ज्यादा है। मेरे को बोला क्या करते हो? मैंने कहा कवि हूँ। बोले लगते तो नहीं। वो बोला ये बताओ कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमने कहा ये तो बड़ा सिंपल है, महंगाई। उसने वो बात हंसी में उड़ाई। हमने कहा तुम्हें कविता पसंद है? बोला सुनाऊं? जी। मैंने कहा अच्छा सुनाऊं? बोला ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जी। हमने कहा हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, कहता कविता किसकी है? मैंने कहा तेरी है, कहता है तो मेरे हिसाब से सुनो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, राम दीन के बच्चे 4, आने वाला है 5वां भाई, और तुम कह रहे हो बढ़ रही है महंगाई। क्या बात है। हमने कहा बहुत अच्छे, कहता है तो दूसरी सुनो। बोला हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल। अच्छा। हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल, देख रहा था गोरे गोरे गाल। वोट डालने गया ना भाई, फिर पूछता है देश की ये हालत किसने बनाई। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हमने कहा यार सेटायर ज्यादा हो रहा है, कुछ पारिवारिक सुनाओ। सेटायर ज्यादा हो रहा है। तो कहता अच्छा सुनो, जैक एंड जिल का फट गया दिल, आंखों से निकला वाटर, साथ साथ बैठ के सब टीवी देखते, नहीं बिगड़ती डॉटर। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। एक और महत्वपूर्ण अंग होता ससुराल का पत्नी, जिसके होने की वजह से ससुराल होता है। बिल्कुल सही। तो मैं आपको अपनी पत्नी के बारे में बताता हूँ। मैं अपनी पत्नी से बहुत डरता हूँ, सारे कर्म उसके कहे अनुसार करता हूँ। दुनिया इसे अच्छा नहीं मानती है, परंतु क्या करूँ मित्रों, मेरी पत्नी जूडो कराटे जानती है। तो जब मेरी इस पत्नी ने मुझसे ये कहा कि लड़के का अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन कराना है, मैंने कहा अंग्रेजी स्कूल में क्यों? वो बोली मुझे लड़के को कवि नहीं बनाना है। तो मुझे लड़के को लेके अंग्रेजी स्कूल जाना पड़ा। वहाँ जाकर लाइन में मैं हो गया खड़ा। 4 घंटे बाद मेरा नंबर आया। उसके बाद प्रिंसिपल ने मुझे अंदर बुलाया। बोली एक तालाब में 10 मछलियाँ थीं, 4 मर के पानी के साथ बह गईं, तालाब में कितनी मछलियाँ रह गईं? अच्छा। मैंने कहा इस क्वेश्चन में बाकी सारी बातें सही थीं, मगर आप तालाब पे क्या करने गई थी? वो बोली ये क्या बचपना है,
मैंने कहा वही तो मैं कह रहा हूँ, एडमिशन मुझे नहीं मेरे लड़के को लेना है। तो बोले अच्छा ठीक है, जाने दीजिए, बाहर काउंटर पे 50,000 रुपया जमा करा दीजिए। मैंने कहा 50,000 रुपया? 50,000 रुपया तो कभी मेरी इंजीनियरिंग की फीस नहीं आई है। वो बोली मिस्टर ये इंजीनियरिंग नहीं, प्राइमरी की पढ़ाई है। क्या बात है। मुझे अपनी पत्नी का ध्यान आया, मैंने लड़के का उस स्कूल में एडमिशन कराया। हाँ। और उसे पढ़ाने लिखाने का हुआ ये परिणाम है, आज पढ़े लिखे बेरोजगारों की लिस्ट में उसका भी नाम है। भला हो परिवार नियोजन वालों का जिनके कारण एक ही लाल है, जिसे पढ़ाने में ये तुक तुक हो गया कंगाल है। जहाँ कमर टूट जाती है एक बच्चे को पढ़ाने में, सदियाँ लगेंगी उस देश को साक्षर बनाने में।